আজ আবার উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী প্রচারে গেলেন AIMIM সুপ্রিমো আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। যদিও আজ তার সভায় বাড়তি নিরাপত্তা দিয়েছে প্রশাসন, আগের দিনই জেট ক্যাটাগরি নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ওয়াইসি। তার সব বক্তব্য, আমি নিরাপত্তা রক্ষী চাই না, আমি সবার নিরাপত্তা চাই। গুলিকাণ্ডের পরে উত্তরপ্রদেশে ওয়াইসি আর সভা করবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। শোনা যাচ্ছিল ওয়াইসি বদলে দলে প্রচারে নামবেন তার ভাই আকবরুদ্দিন ওয়াইসি, কিন্তু না, আজ আবারও প্রচারে দেখা গেল চারবারের সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসিকে। আজকের সভাতে তিনি খুব পরিষ্কার করে বলেন, আমি বুলেট বন্ধুকে ভয় পাই না, ভয় পাই না মৃত্যুকেও। তিনি আরো বলেন, এক আসাদুদ্দিন ওয়াইসি মরলেও শত ওয়াইসি তৈরি আছে। তিনি আর কি বললেন তা আপনাদের শোনাব। 17 में आपने आरएलडी को वोट दिया, वो बीजेपी में दौड़कर चला गया। 19 में आपने बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर आरएलडी को वोट दिया, तब भी बीजेपी जीती। आपकी जिम्मेदारी नहीं है बीजेपी को सिर्फ हराना, आपकी जिम्मेदारी खुद कामयाब करो और बीजेपी को भी हराओ। हमारे दिमागों में 50 साल से बात डाल दी गई, आप नहीं जीत सकते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, हाथी होता है ना, तो बचपन से हाथी को एक मामूली सी जंजीर में बंद करके रख दिया जाता है, और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तो हाथी यही समझता है कि जंजीर से जकड़ा हुआ हो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बहुत ताकतवर है, अल्लाह ने आपको बहुत ताकत दी, इन जंजीरों को तोड़ो, एक ताकत बनो आप। आपके मुकद्दर के फैसले आप खुद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने फैसलों पर एतमाद करें, बशर्ते कि आप पूरे अल्लाह की जात पर भरोसा करके अनीस की अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि अगर जिंदगी हमसे वफा नहीं करेगी, अगर कोई कामयाब हो जाता है हमको खत्म करने के लिए, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आंख में आंसू मत लाइए। हां, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, चार चार गोलियां उन दो लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। और हमारा तो अटूट इस बात पर ईमान है कि जब तक कुदरत फैसला नहीं करेगी किसी की, इंसान की ना मौत आएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना आपकी मौत आएगी, ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। तो ये तीनों चीजें हम लिखा कर लाते हैं, हमको ये सप्पा आरएलडी मोदी नहीं देते। हम दुनिया में जिंदा हैं तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये चार गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था, मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता हूं। मुझे मालूम है कि इन तमाम जितने दुनिया में लोग आते हैं, अपनी मां के पेट में पलकर जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह एक वक्त मुकर्रर कर दिया हर एक का, और हम और आप जाएंगे इस दुनिया से, मगर याद रखो, मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूं, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे से, तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम आवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। ये नादान, ये बुजदिल ये समझते हैं कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो नारो गोली। मैं मगर अल्लाह ने फैसला किया कि तुम्हारी गोली से मेरी मौत होगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने हर बेटे को, अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा काबिल बनाना। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। और याद रखो, हम दुनिया में आए तो जाएंगे, मगर अपने बेटों को, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाइए ताकि वो बीमारों का इलाज कर सके, अपने औलाद को जर्नलिस्ट बनाइए ताकि वो सालिम हुक्मरानों से बेबाकी से सवाल कर सके, आप अपनी औलाद को सियासतदान बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, जिला परिषद में लेकर जाइए, चेयरमैन बनाइए, लड़िए। याद रखिए, जो ये चिड़िया होती है ना जो आसमानों में उड़ती है, क्या वो अपने घोंसले में उड़ती है या बाहर निकलकर उड़ती है? जो चिड़िया घोंसले में उड़ती है बाहर उड़ती है? तो क्या तुम सिर्फ अपने घोंसले में उसके बनाए हुए घर में रहोगे या आजाद परिंदे की तरह रहोगे? उड़ो, अपने ख्वाबों को पूरा करो,
याद रखो, तुमको डरने की ये जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे लिए काफी है।